गरीब बहन का रक्षाबंधन। दौलतपुर नामक एक गांव था, वहाँ पर हिमांशु नाम का एक व्यक्ति रहता है। हिमांशु की पत्नी का नाम रिया होता है और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पियू था। हिमांशु की दो बहनें थी, बड़ी बहन का नाम शीतल और छोटी बहन का नाम सिमरन होता है। रक्षाबंधन का दिन था, पियू अपनी माँ रिया के पास आती है और कहती है, चॉकलेट वाली बुआ और खिलौने वाली फूफा कब तक आएंगे? बे बेटा, ये तुमने अपने बुआ और फूफा को क्या नाम दे दिया? ठीक ही तो दिया है, शीतल दीदी जब भी आती है बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लाती है, इसलिए पियू अपनी बड़ी बुआ को ज्यादा लगाव करती है, वरना छोटी बुआ को तो याद भी नहीं करती। फिर कुछ देर बाद सिमरन माँ आ जाती है। नमस्ते भैया, भाभी कैसे हो आप सब? वे अपने मन में सोचती है, आ गई सिस्टर डिब्बा, हाथ में लेकर अपने भैया को राखी बांधेगी और ले जाएगी 500 की पत्ती। मैं ठीक हूँ सिमरन, रमेश जी नहीं आए? वो इन्हें आज थोड़ा काम था तो वो नहीं आए। भैया शीतल दीदी आ जाए फिर मैं उन्हीं के साथ आपको राखी बांध दूंगी। देखो पियू बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाई हूँ। सिमरन हिमांशु और शीतल से छोटी थी। शीतल की शादी अमीर घर में हुई थी जबकि सिमरन के ससुराल वालों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हिमांशु रिया के साथ पियू भी शीतल को ज्यादा अहमियत देते थे। फिर शीतल भी वहाँ आ जाती है। पियू सिमरन के लाए हुए खिलौने फेंक कर शीतल के पास चली जाती है। चॉकलेट वाली बुआ आप मेरे लिए क्या लाई हो? पियू बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, कपड़े और चॉकलेट लाई हूँ। अरे शीतल दीदी, इन सब की क्या जरूरत थी? और दीदी ये बताओ आप क्या लोगी, जूस कॉफी? अरे रिया, पहले शीतल दीदी मुझे राखी बांधेगी, मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। शीतल दीदी कैसी हो आप? पहले आप भैया को राखी बांधो फिर मैं बांधूंगी। घर वाले शीतल की खातिरदारी में लग जाते हैं, सिमरन को एक तरफा कर देते हैं। ये सब देख कर सिमरन काफी उदास हो जाती है। फिर शीतल कमरे में आराम करने लग जाती है। रिया शीतल के पास आती है और कहती है, शीतल दीदी जीजा जी नहीं है? उन्हें तो आना था ना। आपको तो पता है भाभी, इतनी बड़ी कंपनी संभालना कितना मुश्किल है, कितने वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले सबको देखना पड़ता है, इनके पास तो कई आने जाने की फुर्सत भी नहीं है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और सिमरन की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, तो सिमरन ने घर जाना ही सही समझा। फिर सिमरन वहाँ से चली जाती है। शीतल दूसरे दिन घर जाती है। शीतल अमीर होने के कारण उन्हें ज्यादा अहमियत मिलती थी, इस बात को लेकर सिमरन काफी दुखी रहती है। रक्षाबंधन को बीते हुए अभी एक सप्ताह ही हुआ था कि अचानक हिमांशु की तबीयत खराब हो जाती है। रिया उसे अस्पताल में भर्ती करती है। डॉक्टर साहब मेरे पति को क्या हुआ? दरअसल आपके पति ने शराब का ज्यादा सेवन किया था, इस कारण उनकी किडनी खराब हो गई है। अब उनको दूसरी किडनी लगानी होगी ताकि वह ठीक हो सके। तो डॉक्टर साहब आप किडनी का बंदोबस्त कीजिए ना। देखिए, हमें कोई भी किडनी डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा है, हमें जल्द से जल्द हिमांशु के ऑपरेशन का इंतजाम करना होगा, वरना बॉडी के दूसरे पार्ट भी खराब होने का चांस है। अगर आपके परिवार में से किसी का डीएनए मिस हो जाता है तो हम ऑपरेशन करने को तैयार है। रिया का डीएनए हिमांशु के डीएनए से मैच नहीं हो रहा था और उन्हें कहीं पर भी कोई किडनी डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा था। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। रिया शीतल को फोन करती है, शीतल अस्पताल आ जाती है। सिमरन कुछ काम से बाहर गई हुई थी इसलिए वो नहीं आ सकी। रिया सिमरन से ज्यादा शीतल पर भरोसा करती थी। अब क्या होगा शीतल दीदी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। भाभी मैं मदद कैसे कर सकती हूँ, मैं कुछ समझी नहीं। शीतल दीदी अगर आप अपनी किडनी हिमांशु को दे दो तो आपके भाई की जान बच जाएगी। कैसी बात कर रही हो भाभी, मेरे ससुराल वाले इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे। सॉरी भाभी, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती, मैं हिमांशु की मदद नहीं कर सकती। बाकी पैसों की जरूरत है तो मुझे बोल दो, मैं मदद कर सकती हूँ, पर शरीर के अंग के मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आपको तो पता है मेरे पति इस मामले से दूर रहते हैं तो वो कभी नहीं मानेंगे, मुझे माफ करना भाभी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, कल मैं आपसे मिलने आऊंगी। फिर शीतल वहाँ से चली जाती है और शीतल अगले दिन नहीं आती और फोन पर तबीयत खराब होने का बहाना करती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। इस बीच रिया के पास शीतल का एक भी फोन नहीं आया और उधर रिया भी शीतल का इंतजार करती रहती है।
इतना एक सप्ताह बीत जाता है। फिर शीतल डॉक्टर को फोन करके अपने भाई के बारे में पता लगाती है। तब उसे पता चलता है वो अब ठीक है और उसे छुट्टी दे दी है। क्या हुआ शीतल, तुमने डॉक्टर को फोन किया तो उसने क्या बोला? तुम्हारे भाई को किडनी डोनेट करने वाला कोई मिला या नहीं? हिमांशु को छुट्टी मिल चुकी है, लगता है कोई किडनी डोनेट करने वाला मिल गया होगा। मैं सोच रही हूँ एक बार घर जाकर मिल आती हूँ। शीतल अपने भाई के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि सिमरन वहाँ पर मौजूद है। नमस्ते भाभी, कैसे हो हिमांशु भाई? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल और सामान लाई हूँ। वैसे आपको किडनी किसने डोनेट की? हिमांशु को सिमरन दीदी ने ही किडनी डोनेट की है। हाँ दीदी, सिमरन को जैसे ही पता चला वो दौड़ी हुई अस्पताल आ गई और उसने हिमांशु के लिए किडनी डोनेट करने का मन बना दिया। आज हिमांशु सिमरन दीदी की वजह से ही ठीक हुए। वो भाभी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, वरना मैं अपने भाई के लिए जान भी दे देती। कोई बात नहीं शीतल दीदी, आप क्या लोगी, चाय या कॉफी? नहीं मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अच्छा भैया, अच्छा सिमरन, अपना ख्याल रखना। फिर शीतल वहाँ से बिना कुछ ज्यादा कहे वहाँ से चली जाती है। आज उसके अपने मायके से रिश्ता तो था पर वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उस दिन के बाद सिमरन हिमांशु रिया और पीयू की लाड़ी बन जाती है। राखी के रिश्ते को कभी पैसों से नहीं तोला जाता, राखी का रिश्ता कभी अमीरी और गरीबी का मोहताज नहीं होता। ये बात आज एक गरीब बहन ने सिद्ध करके दिखा दी।